आप देख सकते हैं रावण श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा में, यहाँ मेरे चारों तरफ घोड़े ही घोड़े नजर आ रहे हैं। आप देख सकते हैं अलग अलग मारवाड़ी, काठियावाड़ी, नुकरा नस्ल और सिंधी नस्ल और विभिन्न प्रकार की नस्लों के यहाँ पर घोड़े आप देख सकते हैं। रावण श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा 2023, ग्राम तिलवाड़ा, जिला बाड़मेर, राजस्थान में हर साल ये मेला आयोजित होता है और ये संत शासक रावण श्री मल्लीनाथ जी की याद में हर साल होली के बाद यहाँ पर चैत्रवधि 11 को यहाँ विधिवत रूप से झंडारोहण के साथ मेले की शुरुआत होती है और यहाँ पर दूर दराज से आए हुए पशुपालक, पशु व्यापारी और आम जन इस मेले में यहाँ पर भाग लेते हैं। ऐसा माना जाता है कि 700 साल पहले संत शासक रावण श्री मल्लीनाथ जी का राज्याभिषेक किया गया था और इस राज्याभिषेक में दूर दराज से यहाँ पर संत सामंत और साधु संतों ने इसका यहाँ पर समागम हुआ था और वापस लौटते समय बैल, घोड़े, ऊँटों का आदान प्रदान हुआ और तभी से इस प्रसिद्ध मेले की शुरुआत मानी जाती है। ये मेला लगभग 700 साल पुराना है और यहाँ पर हर साल मेले में लाखों की तादाद में लोग आते हैं और यहाँ पर पशुओं की खरीद फरोख्त होती है। आप देख सकते हैं यह मेला रावण श्री मल्लीनाथ जी की याद में, और ये मेला पुष्कर के बाद राजस्थान का सबसे बड़ा मेला है। आप देख सकते हैं यहाँ चारों तरफ घोड़े ही घोड़े, रावण श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा 2023। आप देख सकते हैं यहाँ पर रावण श्री मल्लीनाथ पशु मेले में यहाँ पर पशुपालक, पशु व्यापारी और आम जन। सर आप ये कौन से गांव से आए, क्या नाम है आपका? गन्नी, गन्नी खान जी। कौन से गांव से आए? तेलीवाड़ा। ये कौन से? पोकन तहसील। पोकन तहसील में। तो ये मेला में ये घोड़े को बेचने के लिए? हाँ जी, बेचने के लिए। कितनी कीमत है इसकी? 2 लाख रुपए। 2 लाख रुपए। ऐसी क्या विशेषता है इसकी घोड़े की? बढ़िया विशेषता देख लो आप। नहीं, सिंधी नस्ल का घोड़ा। तो ये रेस में अच्छी है? बराबर है। रेस में बढ़िया है? बराबर बराबर है। इसके अलावा और इसकी इसकी हाइट कितनी है, उम्र कितनी है? 5 साल की उम्र है। 5 साल की उम्र है। और इसकी हाइट देख लो आप, ये खड़ी है आपके पास। 61-62 की हाइट है। इस बार मेला कैसा है? बढ़िया बढ़िया है ना मेला? मेला बढ़िया है। बड़ा बढ़िया। तो मेले में जो व्यवस्था वगैरह से संतुष्ट है आप? बिल्कुल सही है। और इसके अलावा और जो है इस मेले को आगे बढ़ाने के लिए सरकार को क्या किया जाना चाहिए? बढ़िया बढ़ाना, मेला भरपूर रखना। भरपूर रखना, पशु मंगाना, खुला रखना मेला। मेला मतलब और लंबा चलना चाहिए, लंबा चलाना चाहिए। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंधी नस्ल का घोड़ा और ये भाई साहब भी सिंधी लग रहे हैं। प्योर सिंधी। आप देख सकते हैं यहाँ पर रावण श्री मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा 2023 में यहाँ पर पशुपालक, पशु व्यापारी और मेलार्थी यहाँ पर बहुत ही खुश मुद्रा में देख सकते हैं यहाँ पर ये प्योर सिंधी नस्ल की घोड़ी। बेचने के लिए लाए? बेचने के लिए लाए। कितनी कीमत है? इसमें 5 लाख रुपया। इसकी जो है विशेषता क्या, कुछ खास? बहुत पैनी है, चलने वाली है, चलने वाली, दौड़ में बहुत फर्स्ट है। और इसको जो है इसका हाइट कितना है? 65 इंच। हाँ, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये सिंधी नस्ल की जो है प्योर सिंधी नस्ल की घोड़ी आप देख सकते हैं। इसका घोड़े का नाम है? इसका नाम टाकी। टाकी नाम है। और ये रेस में भाग लिया? रेस में कितना नंबर पे है?
रेस में नहीं चला है, मैदान में चला था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये टाकी घोड़ा देखते हैं, प्योर सिंधी नस्ल का ये घोड़ा। ये कौन से गांव से है? पोकरण से। आप देख सकते हैं ये गांव पोकरण, जिला जैसलमेर का। घुमटिया वाला घोड़ा चलता था, वो गांव का घोड़ा है ये गांव घुमटिया वाला घोड़े का गाँव। हाँ आप देख सकते हैं ये डांसिंग हॉर्स। आप देख सकते हैं यहाँ पर ये डांसिंग हॉर्स के मालिक। आपका शुभ नाम? गोम सिंह। गोम सिंह गांव मुखाप। तो ये घोड़ी आप बेचने के लिए लाए खाली डेमो के लिए? बेचने के लिए। तो इसकी कीमत कितनी होगी? 51,000 रुपए। और ये कौन सी नस्ल की घोड़ी है? सिंधी नस्ल की घोड़ी। और ये डांस करती? हाँ आप देख सकते हैं ये डांसिंग हॉर्स। हर साल आप आते हैं मेले में? हर साल। इस बार मेला कैसा रहा? ठीक ठीक है, बढ़िया रहा। बढ़िया रहा, बढ़िया रहा। आप भी पशु व्यापारी है? बिल्कुल। तो मेले में व्यवस्था से संतुष्ट है? बिल्कुल, व्यवस्था बढ़िया है। बढ़िया। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर पशुपालक, पशु व्यापारी और आमजन यहाँ पर मेले में रावण श्री मल्लीनाथ पशु मेला, ग्राम तिलवाड़ा, तहसील पचपदरा, जिला बाड़मेर, रावण श्री मल्लीनाथ पशु मेला 2023। भाषा कौन सी नस्ल का घोड़ा है ये? सिंधी नस्ल का है भाई। सिंधी नस्ल का। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट्स के माध्यम से अवश्य बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाइए ताकि नई वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद।